तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी का एक कमाल का हिडन फीचर, या भी बोल सकते हैं एक कमाल का यूजफुल फीचर बताने वाला हूँ, जो कि आपको आपके सैमसंग गैलेक्सी में मिलता है। क्या ये फीचर है, कैसे उसको यूज करेंगे, कहाँ ये मिलता है, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ एक यूजफुल फीचर, या बोल सकते हैं एक हिडन फीचर बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी का। वो ये है कि आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में लाइव कैप्शन पढ़ सकते हैं। वो भी आप कोई बोल रहा होगा, तो लाइव कैप्शन आपको यहाँ पर पढ़ के दिखाई देने वाले हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि लाइव कैप्शन आपको दिख रहा होगा, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो वहां पर ऊपर टाइप हो गया, और मोस्टली ये इंग्लिश में यूज होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा है जहां पर कुछ इंग्लिश में कोई बोल रहा है, तो आप उस कैप्शन को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सिंपली आपको उसको ऑन कर लेना है उस फीचर को, और जो भी वीडियो या जो भी जहां पर भी वो शब्द यूज हो रहे होंगे, तो वो आपको वहां पर बोल के सुनाने वाला है। आप देख रहे होंगे जैसे कि आप उसको यूज करेंगे, तो वो आपको खुद ही बोल के बताने वाला है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। वो उसको आपको कैप्शन में पढ़ के बताने वाला है। जैसे कैप्शन में आप उसकी वॉल्यूम थोड़ी तेज कर देंगे, तो आपको वो पढ़ के बताएगा। आप देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं जैसे कि लाइव कैप्शन वहां पर आ रहा है। तो ये फीचर को कैसे इनेबल करेंगे और कैसे इसको यूज करेंगे आपके पास बताने वाला हूँ। इसको यूज करने के लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की यहाँ सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है नीचे एसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे। एसिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है हियरिंग इंस्ट्रूमेंट में, और यहाँ पर मिलेगा आपको लाइव कैप्शन वाला ऑप्शन। आपको इसको इनेबल कर लेना है। इसको इनेबल करने के बाद सिंपली जहां जहां आपकी कोई भी वीडियोज होंगी, जहां कोई कुछ बोल रहा होगा, उसमें ऑटोमेटिक लाइव कैप्शन वो यूज कर लेगा। चाहे गैलरी में हो, चाहे कहीं भी हो, जहां उसको लगेगा ना कि इसमें वीडियो में लाइव कैप्शन लेना चाहिए, तो उसमें ऑटोमेटिक लाइव कैप्शन लेगा। बिकॉज ये जो लाइव कैप्शन वाला फीचर है वो ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसा लिखा भी हुआ है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही चलता है, उसके अलावा दूसरी लैंग्वेज में नहीं चलता। जहां जहां इंग्लिश यूज होगी वहां पर तो बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आपने किसी वीडियो में लाइव में बता, जैसे कि मैंने अभी वाली वीडियो में इंग्लिश थोड़ा बहुत थोड़ा यूज करा है, तो अब ये ऑटोमेटिक इसमें कैप्शन यूज कर लेगा। आप देख रहे होंगे, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। देख रहे हैं जैसे कि मैंने बोल दिया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इंग्लिश अगर आप बोलेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से सब्सक्राइब करेगा, और इस इंग्लिश वाली वीडियो के जो कैप्शन है वो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सुनाई देने वाला है। तो ये कमाल का फीचर है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी वीडियोस होती हैं जिसको हमें पढ़ना भी चाहते हैं ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके, तो आप इस फीचर को यूज करके कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। यूट्यूब वीडियोज में देखना हो तो भी यूज हो जाएगा, नॉर्मल वीडियोज में देखना तो यूज आएगा, कोई से इंस्टाग्राम ऐप में अगर वीडियो देख रहे हैं रील्स उसमें यूज हो जाएगा, फेसबुक में देख रहे हैं उसमें, मतलब कहीं भी जहां भी वीडियोज होती है में वो यूज हो जाएगा वाला फीचर, जो कि बहुत फुल यूजफुल है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आप लगता है उसमें कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू।